दोस्तों, नरेंद्र सिंह नेगी उत्तराखंड का वो नाम है जो पूरे विश्व में रह रहे उत्तराखंडी समाज के दिलों में बसता है। हम सब नरेंद्र सिंह नेगी जी को एक गायक, एक कवि और एक आंदोलनकारी के रूप में जानते हैं। आइए आज नेगी जी के बारे में कुछ ऐसी बातें आपको बताते हैं जो सिर्फ उनके परिवार या बहुत ही करीबी लोगों को ही मालूम है। नेगी जी मूल रूप से पौड़ी जिले के पौड़ी गांव की पट्टी नादल सयू के रहने वाले हैं और आज भी वो अपने पैतृक गांव में ही रहते हैं। नेगी जी के परिवार में 7 बहनें और एक छोटा भाई है। उनके 2 बच्चे हैं, बेटे का नाम कविलास और बेटी का ऋतु है। नेगी जी की धर्मपत्नी का नाम उषा है। नेगी जी के माता पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं। क्योंकि नेगी जी के पिता सेना में थे, इसलिए नेगी जी भी सेना में ही भर्ती होना चाहते थे, पर किन्हीं कारणों से भर्ती नहीं हो पाए। नेगी जी सन 74 में अपना सबसे पहला गीत सेरा बजग्याल लिखा था। उस वक्त नेगी जी देहरादून के विकास नगर के एक अस्पताल में अपने पिता की आंखों का ऑपरेशन कराने आए थे। यहीं से नेगी जी के गीतों के सफर की शुरुआत हुई। जब उन्होंने पौड़ी पहुंचकर अपने दोस्तों को ये रचना दिखाई तो उनके दोस्तों को ये काफ़ी पसंद आई और उन्होंने नेगी जी को कहा कि वो ऐसे ही लिखते रहें। गढ़वाल की पहली फिल्म जगवाल में नेगी जी द्वारा लिखा उनका पहला गीत सेरा बजग्याल बिना उनकी अनुमति के चोरी से फिल्म के प्रोड्यूसर ने अपनी फिल्म में डाल दिया था। दरअसल फिल्म प्रोड्यूसर को भी यह अंदाज़ा नहीं था कि आने वाले वक्त में ये गुमनाम गायक उत्तराखंड की पहचान बन जाएगा। नेगी जी हिंदी भाषा आंदोलन के लिए कुछ दिनों तक बिजनौर जेल में भी बंद रहे थे। नेगी जी सूचना विभाग में क्लास 2 सरकारी अफसर थे और 7वें वेतन आयोग आने से ठीक पहले उन्होंने अपनी मर्जी से त्यागपत्र ले लिया। यदि नेगी जी 7वें वेतन आयोग के बाद त्यागपत्र लेते तो न सिर्फ उनकी सैलरी बल्कि उनकी पेंशन भी काफ़ी ज़्यादा होती, लेकिन अपने सिद्धांतों के चलते उन्होंने कोई समझौता नहीं किया और पूरी सरकारी नौकरी में उनकी छवि एक बेदाग ऑफिसर की रही है। बलि प्रथा के खिलाफ जानवरों की हत्या पर नेगी जी का एक गीत है, निहोणु रे निहोणु तेरा देवी देवतालु दैणु हेरा। ये गीत लिखने से पहले खुद नरेंद्र सिंह नेगी ने अपने जीवन में हमेशा के लिए मांसाहार का त्याग कर दिया था। नेगी जी की फेवरेट हीरोइन नूतन और माधुरी दीक्षित है। हीरो में बलराज साहनी और संजीव कपूर नेगी जी के पसंदीदा कलाकार हैं। नेगी जी की फेवरेट फिल्म सीमा है। नेगी जी का गीत तेरु भाग तेरु दगड़ी उन्होंने अपनी धर्मपत्नी के लिए लिखा था, जब पौड़ी में उनकी धर्मपत्नी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी और नेगी जी उस वक्त उत्तरकाशी में थे। उत्तराखंड के सबसे बड़े हिट और सबसे चर्चित गीत नौछमी नरेना लिखने के बाद से अब तक उनको सभी राष्ट्रीय पार्टी चुनाव लड़ने के लिए टिकट देने की कोशिश कर चुकी हैं, पर उन्होंने आजीवन राजनीति में न आने का प्रण लिया है। नेगी जी की लोकप्रियता का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है, जब 2017 में 28 जून को उनकी तबीयत खराब हुई तो लोगों ने इंटरनेट पर मोदी से ज़्यादा नरेंद्र सिंह नेगी के बारे में सर्च किया। जी हाँ, गूगल ट्रेंड में नेगी जी ने नरेंद्र मोदी को काफ़ी पीछे छोड़ दिया था। नेगी जी टीवी में डिस्कवरी, हिस्ट्री चैनल और नेशनल ज्योग्राफी चैनल देखना पसंद करते हैं। अगर आपने नेगी जी का गीत बंदूके जसपाल राणा निशानु साथ दे सुना हो तो इसके पीछे एक कहानी है। नेगी जी कलजीखाल ब्लॉक में किसी चाय की दुकान पर चाय पी रहे थे और टीवी पर जसपाल राणा को पुरस्कार दिया जा रहा था। उसी वक्त चाय की दुकान पर बैठी एक बुढ़िया ने पूछा कि ये कौन है जिसको सरकार इतना इनाम दे रही है। दुकानदार ने कहा कि ये बहुत बड़ा निशानेबाज है। तो उस बुढ़िया ने कहा कि अगर इतना बड़ा निशानेबाज है तो हमारे गाँव में जो बाघ लगा है उसे मार कर बताएं। और उस बुढ़िया औरत की ये बात नेगी जी के दिल को छू गई। उसके बाद नेगी जी ने ये गीत लिखा। एक और गीत आपने सुना होगा, मोटरों को सेणू हुयू होटलों को खाणू ये डले बरी कैलेंडरी माँ। दरअसल इस गीत के पीछे की कहानी ये है कि एक बार नेगी जी श्रीनगर से कार्यक्रम करके पौड़ी आ रहे थे, लेकिन काफ़ी रात होने के कारण कोई वाहन नहीं मिला तो उन्होंने एक ट्रक वाले को हाथ दिया। ट्रक वाले ने अंधेरे में नेगी जी को पहचाना नहीं और उसने नेगी जी को पीछे रेत पर बैठने को कहा। रेत से भरे उस ट्रक में नेगी जी पीछे बैठ गए। ट्रक वाला जब पौड़ी पहुंचा तो काफ़ी रात हो गई थी। नेगी जी ने ट्रक वाले से कहा, भुला इतनी रात हो गई है, अब तो तुझे खाना भी नहीं मिलेगा, चल मेरे घर चल के खाना खा ले। तो
तो उसने नेगी जी को कहा कि साहब, हमारी ज़िंदगी तो ऐसी ही चलती है, गाड़ियों में ही सोना होता है और होटलों पर खाना। फिर नेगी जी ने पहाड़ के ड्राइवरों की ज़िंदगी पर अपना ये गीत लिखा। नेगी जी कहीं भी कार्यक्रम देने जाते हैं तो हमेशा अपनी टीम के साथ ही सफ़र करते हैं, चाहे आयोजक उन्हें हवाई यात्रा से भेजने की कितना भी ज़िद करे, वो फिर भी अपनी टीम के साथ साधारण क्लास में ही सफ़र करते हैं। नौछमी नरेना अब तक की उत्तराखंड के इतिहास की सबसे ज़्यादा बिकने और देखी जाने वाली वीडियो है। एक और रास की बात बहुत कम लोग जानते हैं कि नेगी जी शहरों से ज़्यादा गाँव में कार्यक्रम करना पसंद करते हैं। नेगी जी का मानना है कि उनके सुनने वाले गांव में अधिक हैं। हम सभी के पसंदीदा गायक नरेंद्र सिंह नेगी जी मोहम्मद रफ़ी के कायल हैं, साथ ही लता जी, सुरेश वाडकर और उदित नारायण उनके पसंदीदा गायकों में से एक हैं। नेगी जी ने उदित नारायण और सुरेश वाडकर से भी गढ़वाली गीत गवाए हैं। नरेंद्र सिंह नेगी ने प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक और प्रोड्यूसर सूरज बड़जात्या को ना कह दिया था। दरअसल सलमान खान की मैंने प्यार किया उस फिल्म के दौरान सूरज बड़जात्या उत्तराखंड आए थे और उन्होंने नेगी जी का काफ़ी नाम सुना था, इसलिए वो नेगी जी से मिलना चाहते थे। नेगी जी से मिलने पर उन्होंने उस फिल्म के सबसे फेमस गाने कबूतर जा जा को गढ़वाली में गाने की पेशकश की, लेकिन नेगी जी ने उस प्रस्ताव को ये कहते हुए ठुकरा दिया कि इस गीत में उन्हें पहाड़ से जुड़ा कुछ नहीं दिख रहा है, इसलिए वो इस गीत को गढ़वाली में नहीं गा सकेंगे। तो दोस्तों, ऐसे हैं हमारे नेगी जी, और हमें इस बात का गर्व है कि हमने उस धरती पर जन्म लिया जहाँ नेगी जी जैसे युग पुरुष हुए हैं।